अंबर्पेट डिविजन सीपीआई कॉर्पोरेटर अभ्यर्थिगा शेख नदीम नामिनेशन दाखलु चेसारु। अनंतरम अंबर्पेट डिविजन लो पटेल नगर चौरस्ता नुंडी बापू नगर वरकु भारी ऊरेगिंपु निर्वहिंचारु। अनंतरम नदीम मात्लाडुतू गत एन्निकलालो मुस्लिम श्मशान वाटिक इस्तानानी वाग्दानं चेसिन एम्मेल्ये कालेरु वेंकटेश वाग्दानान्नि पूर्ति चेयकपोवडंतो मैनारिटीलो टीआरएस पार्टीपै नम्मकं पोयिंदनी ई एन्निकल्लो टीआरएस पार्टीकि गुणपाठं चेबुतारनि आयन अन्नारु। ई एन्निकल्लो सीपीआई पार्टी घन विजयं साधिस्तुंदनि आयन अन्नारु। ई कार्यक्रमंलो अखिल भारत युवजन समैक्य तेलंगाणा राष्ट्र अध्यक्षुडु वाली उलाहा कादरी, ताजुमे इंसफ वाइस प्रेसिडेंट मीर्जा सोहेल बेग, मजीद अली खान, जावीद तदितरलु पाल्गोन्नारु। सीपीआई अंबर हैदराबाद काउंसिल की जानिब से आज मुझे अंबरपेट में वार्ड नंबर 83 में मुझे कॉन्टेस्ट करने का मौका दिया गया। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी स्टेट सेक्रेटरी चाडा वेंकट रेड्डी साहब का और सिटी सेक्रेटरी ईटी नरसिम्हा साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि अंबरपेट में कई ऐसे मसाइल है जो यहाँ के जो गरीबों के साथ जो नाइंसाफियाँ हुए, उस नाइंसाफियों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी अंबरपेट के अंदर ये मुद्दों को लेकर कामयाबी हासिल करेंगी, क्योंकि अंबरपेट के जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं जो डेली बेजेस काम करने वाले हैं, लॉकडाउन के अंदर जो टीआरएस गवर्नमेंट उनके साथ जो नाइंसाफियाँ करी लॉकडाउन के अंदर और फ्लड के टाइम पे जो नाइंसाफियाँ करी, और अंबरपेट का एक बड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है खबरस्तान का मुद्दा। एक केसीआर साहब इससे पहले जब एमएलए इलेक्शन में खबरस्तान का मुद्दा लेके यहाँ के एमएलए को जिताए, एमपी के इलेक्शन में यही मुद्दे के ऊपर ये लोग लड़े, अब ये खबरस्तान कॉर्पोरेटर के टाइम पे भी यही खबरस्तान के मसले को लेके आगे बढ़ने वाले। हर टाइम अंबरपेट की आवाम पूछी टीआरएस के ऊपर भरोसा रख के कि खबरस्तान का मुद्दा कब हल करते, तो वो लोग सिर्फ आस में रख रहे, क्योंकि इससे पहले हम मेमोरेंडम भी दिए कि खबरस्तान को साफ सफाई करो, तो लिहाजा टीआरएस गवर्नमेंट कभी नहीं करी। तो ऐसे कई मसाइल है, जो एजुकेशन का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, कोई सा भी मसला हो, वो मसलों को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी अंबरपेट में बराबर अपनी ईमानदारी के साथ आवाम की गरीब आवाम के मसलों को ले लेकर ठहरेंगी इंशाल्लाह। अंबरपेट की तकरीबन आवाम को ये बात मालूम कि कम्युनिस्ट पार्टी गरीबों के लिए काम करती, तो हर गरीब आज एक दिन हर टाइम हम गरीब के साथ ठहरेंगे। गरीब को एक दिन एक तारीख के दिन जब वोटिंग का टाइम रहेगा इंशाल्लाह ताला, तमाम अंबरपेट के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी के वोट को कम्युनिस्ट पार्टी को जिताइए, इंशाल्लाह ताला बराबर कामयाबी हासिल करें। अखिल भारत योजना समीख्य राष्ट्र समिति उच्च भारत कम्युनिस्ट पार्टी अभ्यर्थी शेख नदीम गारिकी नेनु पूर्ति मदतुनि प्रकटिस्तुन्ना। ఈరోజు ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కావడానికి ఏకైక మార్గం కేవలం భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ, అనేక ఉద్యమాలు చేసినటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి పార్టీ, అనేక విప్లవాలు తెచ్చినటువంటి పార్టీ. ఈ పార్టీతో ఈరోజు ఈ పార్టీ అభ్యర్థిగా ఈ పార్టీతో పేద ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం చేయడానికి అభ్యర్థి అయి పోరాటం చేస్తున్నటువంటి నదీం గారికి ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని, ఆయనకు సహకరించాలని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంబర్పేట్ ప్రజానికానికి నేను అఖిల భారత యోజన సమిఖ్య నుంచి కోరుతున్నా. కష్టంగా గతంలో కూడా పోరాటం చేసినాం, భవిష్యత్తులో కూడా పోరాటం చేస్తాం, ఎన్నికలు వస్తుంటాయి పోతుంటాయి, గెలుపు విజయాలు వస్తుంటాయి పోతుంది, కానీ పేదల కోసం ప్రజల కోసం నిలబడే పార్టీ కేవలం భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అనే నిరూపించుకుంటాం.